बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर विद यू विद लेक्चर नंबर 24 ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स। एंड टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। एक्चुअली देर विल बी मल्टीपल लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विच आर दिस विच इज़ दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सो व्हाट आर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स? दीज आर दे आर यूज टू सॉर्ट वैल्यूज और यू कैन से रिकॉर्ड्स इन अ कलेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर आफ्ताब अकरम एंड आई हैव डन माई PhD इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम साउथ चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी इन गंगदू चाइना। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए लेक्चर डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि अब सपोज करें कि हमारे पास एक रे है, एक इंटीजर रे है और उसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो स्टोर है और हमने जब इसमें इंसर्ट किए हैं इनको वैल्यूज़ को, तो हमने इनको बस इस तरह किया है कि रे के एंड पे हम वैल्यूज़ को ऐड करते गए, तो हमें ये नहीं पता कि ये वैल्यूज से ऑर्डर पे है या नहीं है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली ये करेंगे कि टिपिकली ये करते हैं कि ये वैल्यूज़ को लोएस्ट से हाईएस्ट के ऑर्डर में इसको जो है वो स्टोर कर देते हैं। तो अब इसमें एसेंशियली इस तरह से होगा कि जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो लोएस्ट इंडेक्स पे होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स पे होगी, बिकॉज दिस फर्स्ट इंडेक्स इज़ ज़ीरो एंड दिस लास्ट इज़ n-1। तो इस तरह से हम टिपिकली इसको लेते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये होगा कि हम इस तरह से करें कि वैल्यूज़ को इस तरह से ऑर्डर में रखें कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो लोएस्ट इंडेक्स में और जो हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट इंडेक्स पे वो स्टोर हो जाए। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को इस अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है किसी वैल्यू को सर्च करने की, तो हम उसको ईज़िली जो है इस अरे में जो है विद इन दिस अरे वी कैन सर्च इट वेरी ईजीली। अगर तो सॉर्टेड नहीं है तो हमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम सिर्फ एक सिक्वेंशियल सर्च यूज़ कर सकते हैं जो कि टर्न बाय टर्न तमाम वैल्यूज़ को देखेगी और उस तक तक उसने इस अरे में सर्चिंग करते रहना जब तक उसको करेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं मिल जाती। लेकिन अगर सॉर्टेड हो तो हमारे हम इसके अलावा जो बेटर एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि बाइनरी सर्च है, हम उसको जो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि वी हैव गिवन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक दिस वन R1, R2, R3 एंड RN विद की वैल्यूज K1, K2 एंड KN। एंड सॉर्टिंग प्रॉब्लम इज टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इनटू एनी ऑर्डर सच दैट रिकॉर्ड्स RS1, RS2, दीज आर सॉर्टेड रिकॉर्ड्स, दीज आर अनसॉर्टेड रिकॉर्ड्स। ये जो है ये अनसॉर्टेड है और ये सॉर्टेड है। ये हमने उसके साथ इसलिए S लगा दिया ताकि आइडिया रहे कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में क्या डिफरेंस है। हैव अ कीज ओबेइंग द प्रॉपर्टी, इसी तरह से हमने कीज़ को भी इनका सब्सक्रिप्ट भी चेंज कर दिया, K1 से KS1 कर दिए, इससे पता चल जाए कि एक्चुअली ये सॉर्टेड जो है ये कीज़ है, दे आर नॉट अनसॉर्टेड कीज। तो इसमें से जैसे हम देख रहे हैं कि ये अरेंज्ड हैं रिकॉर्ड्स RS1, RS2, RSN तक जो है रिकॉर्ड है। और अगर इनकी हम कीज़ देखें, क्योंकि हम कीज़ को यूज़ करते हैं इनको सॉर्ट करने के लिए, सो KS1 विल बी ऑलवेज द लोएस्ट की। अगर ये सिर्फ इंटीजर है तो ये लोएस्ट वैल्यू होगी और ये जो है ये उसमें क्या होगी, दिस विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो ये इसकी एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, द सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स इज टू अरेंज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स सो दैट द वैल्यूज ऑफ द की फील्ड्स आर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग इसका मतलब ये है कि इंक्रीज हो रही है, तो लोएस्ट है वो ऑलवेज है वो सबसे पहले होगी, फिर जो अगली उससे होगी की वैल्यू वो उससे एक स्टेप एक ग्रेटर होगी। अगर आप दो कंजेक्टिव वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहले वैल्यू है वो स्मॉलर है और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उससे ग्रेटर है।
Sorting algorithm is said to be stable if does not change the relative ordering of records with the identical key values. अब ऐसा अगर scenario आ जाए कि दो values जो सेम आ जाए, दो की values जो सेम आ जाए, suppose कि एक भी टू है दूसरी भी टू है, तो अब इसमें जो है वो ये होगा कि इनकी वैल्यू, इनकी पोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बोथ इक्वल, तो हम इनको एज इट इज़ ही अनटच ही रहने देंगे। तो ये इसको, इसके ऑर्डर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ना ही एल्गोरिदम जो है वो उसका ही पर्पज़ है कि अगर वैल्यू सेम है तो तब भी उनका ऑर्डर जो है वो चेंज करे। ये ऑर्डर सिर्फ उस वक्त में चेंज होगा कि अगर इस पोजीशन पे वैल्यू जो है वो बड़ी हो, ग्रेटर हो, और इस पोजीशन पे जो है वो वैल्यू स्मॉलर हो, तब ये ऑर्डर चेंज होगा। अदर सेम है तो फिर ये ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा। व्हेन कंपेयरिंग टू सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच वुड सेम टू बी सिंपली प्रोग्राम बोथ एंड मेजर देयर रनिंग टाइम। ये सिंपल सा एक ये है कि ठीक है कि आप इफ़ यू हैव मोर देन वन एल्गोरिदम टू सॉर्ट द वैल्यूज, तो आप क्या करें कि उनको इम्प्लीमेंट करें, प्रोग्राम बनाएं, फिर उनको रन करें और आप देखें कि दोनों एल्गोरिदम को सेम इनपुट दें और देखें, चेक करें कि कौन सा एल्गोरिदम जो है फास्ट रन करता है। लेकिन एक्चुअली ये इतना सिंपल नहीं है बिकॉज के सच कंपैरिजन कैन बी मिसलीडिंग बिकॉज द रनिंग टाइम फॉर मेनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक ऑफ द इनपुट वैल्यूज। तो वो इनपुट वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है कौन सी है। अगर तो आपने सेम इनपुट यूज़ नहीं की तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन एडिशन टू दिस प्रॉब्लम्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, द साइज ऑफ कीज एंड द रिकॉर्ड, द अलाउबल रेंज ऑफ द की वैल्यूज एंड अमाउंट बाई विच द इनपुट रिकॉर्ड्स आर आउट ऑफ ऑर्डर कैन ऑल ग्रेटली अफेक्ट द रिलेटिव रनिंग टाइम्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वन बाई वन उनको लिस्ट किया गया कि फर्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, कीज़ की और रिकॉर्ड्स का साइज़ कितना है, और रेंज कितनी है की वैल्यूज़ की, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं वो दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। क्या एक उसमें एक वर्स्ट केस ये हो सकता है, हम उसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सपोज के एक रे है और ये रे जो है वो ऑलरेडी हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू जो है वो सॉर्ट हुई है। इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लोअर इंडेक्स पे और जो लोएस्ट वैल्यू है वो हाई इंडेक्स पे है, ये एन माइनस वन हमारे पास है। अब हमने इसको जो है वो ये करना है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट करना है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो लोएस्ट इंडेक्स पे आ जाए और जो हायर वैल्यू है वो हायर इंडेक्स पे आ जाए। तो इसमें फिर क्या होगा कि हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड हैं उनकी पोजीशन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी इस चीज़ पर जारी बात है, इसमें टाइम जो है ज़्यादा लगे। अगर कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं तो उनको तो हम ईजीली जो है वो हम उनको ऑर्डर में कर सकते हैं कम टाइम में, लेकिन अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। व्हेन एनालाइजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इट इज़ ट्रेडिशनल टू मेजर द नंबर ऑफ कंपैरिजन मेड बिटवीन कीज। इसके लिए हमने क्या करना है कि जब भी हम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हैं तो हम उनके कीज़ को कंपेयर करते हैं, उनके वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर, जाहिर सी बात है कि हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में आपको पता है कि इट्स लाइक लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल, तो ये बाइनरी होते हैं इनकी, इनका जो है वो आपको जो रिज़ल्ट है वो ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि हम कितने कंपैरिजन करने हैं। हमारा यहाँ पर पहला टारगेट ये है कि हम कम से कम कंपैरिजन परफॉर्म करें, क्योंकि हर कंपैरिजन का जो है उस पर जाहिर बात है कि कंप्यूटेशन होगी और उसमें टाइम जो है वो लगेगा। दिस मई रूसली क्लोजली रिलेटेड टू द रनिंग टाइम फॉर द एल्गोरिदम एंड हैज एडवांटेज ऑफ बीइंग मशीन एंड डाटा इंडिपेंडेंट। तो ये है कि हमने ये देखना है कि जो एल्गोरिदम है वो कितने कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा है, तो ये उसकी हम एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के लिए इस मेजर को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन को। हाउएवर इन सम केसेस रिकॉर्ड्स माइट बी सो लार्ज दैट देयर फिजिकल मूवमेंट माइट टेक अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ टोटल रनिंग टाइम, सो इट माइट बी अप्रोप्रिएट टू मेजर द नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म बाय द एल्गोरिदम्स। तो ये दो चीज़ें टिपिकली जो है वो हम देखते हैं
एक तो ये कंपैरिजन कितने हैं, दूसरे ये कि अगर हमें वैल्यूज़ को स्वैप करना पड़ता है तो उसमें कितना टाइम जो लगता है, नंबर ऑफ स्वैप्स जो है वो कितने हैं। तो टिपिकली जो सोटिक एल्गोरिथम हम भी अभी डिस्कस करेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम इनको देखेंगे। एक चीज़ तो ये है कि नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने इसमें है, और दूसरी चीज़ ये कि कितने स्वैप ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। इन मोस्ट एप्लीकेशन वी कैन अज्यूम दैट ऑल द कॉज एंड केज आर फिक्स लेंथ एंड दैट अ सिंगल कंपेरिजन और सिंगल स्वैप ऑपरेशन रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ विच कीज आर इन्वॉल्व। तो ये हम एक जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम ज़्यादा इसको डिटेल में ना जाए और इसकी कम्प्लेक्सिटी में ना जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक सिंगल कंपेरिजन सिंगल स्वैप है, इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ विच कीज आर इन्वॉल्व। और उसमें यह है कि बाज़ूकात ऐसे हो सकता है कि जो कीज़ की लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है, तो उसमें जब आप कीज़ को कंपेरिजन करेंगे तो उसमें टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो सॉर्ट करने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दे आर स्मॉल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड। और तीसरा है कि एक रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं कि यूज़ एज लिटल मेमोरी एज पॉसिबल, कि हम ये कहते हैं कि एल्गोरिथम जो है ज़्यादा मेमोरी यूज़ ना करें कि और मेमोरी रिस्ट्रिक्शन हम उस पर जो अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर सम स्पेशल केसेस, लेकिन अभी हम डिस्कशन के लिए ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपैरिजन और स्वैप हैं दे रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमने डिस्कस करने हैं तीन एल्गोरिदम, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिंपल से एल्गोरिदम है और काफ़ी इंट्यूटिव है। टिपिकली इनकी जो इंस्पिरेशन है वो हम एवरीडे लाइफ से जो है वो ली गई है, लेकिन इन एल्गोरिदम्स के साथ एक जो इशू है वो ये है कि इनका जो रनिंग टाइम है वो क्वाड्रेटिक है। थीटा ऑफ एन स्क्वायर जो है वो इनका टिपिकल इनका रनिंग टाइम है, तो ये रनिंग टाइम जो है ये इतना अच्छा नहीं समझा जाता है। तो हम ये करेंगे कि हम ये तीन एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। तो इनको वन बाय वन देखते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी इनकी मेथडोलॉजी में, इनकी टेक्निक में। तो कॉमन चीज़ इसमें यह है कि ये सारे एल्गोरिदम्स जो हैं देर एवरेज दिन का जो रनिंग टाइम है दैट इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस करना है। इंसर्शन सॉर्ट इटरेट्स थ्रू अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड इंसर्टेड इन टर्न एट द करेक्ट पोजिशन विद एन असॉर्टेड लिस्ट कम्पोज ऑफ दोज रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक अनसॉर्टेड लिस्ट होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम टर्न बाय टर्न जो है, सबसे पहले हम टॉप जो दो रिकॉर्ड है उनको देखेंगे कि ऑर्डर में कि नहीं है, अगर ऑर्डर में नहीं है तो उनको ऑर्डर में करके फिर हम तीसरे रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे, उसको उसकी करेक्ट पोजिशन पर इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर चौथे फिर पाँचवें फिर इस तरह से बारी बारी सब रिकॉर्ड्स को जो है वो देखेंगे। इसकी जो एक जो रियल वर्ल्ड इसकी इंस्पायरेशन ली जा सकती है दैट इज़ फ्रॉम सॉर्टिंग टेलीफोन बिल्स बाय डेट। तो सपोज़ कि आपके पास जो है वो टेलीफोन बिल्स हैं और वो सॉर्टेड नहीं है, आप उनको डेट वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं कि हर मंथ का बिल जो है वो सॉर्ट हुआ वो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो टॉप पे दो दो बिल पड़े हुए हैं आप उनको देखेंगे कि उनमें से जो है वो क्या वो ऑर्डर में है, तो अगर वो नहीं है तो उनको आप ऑर्डर में कर देंगे। फिर उसके बाद आप एक तीसरा बिल पाइल में से जो आपके जो टेलीफोन बिल्स का जो एक ढेर लगा हुआ है उसमें से आप तीसरा बिल उठाएंगे, अब देखेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे आती है, उसको उस करेक्ट जगह पे इंसर्ट करेंगे, और इस तरह से जो है वो आप पे चौथा बिल उठाएंगे उसको उसकी करेक्ट जगह पे इंसर्ट करेंगे, इस तरह करते करते जो है वो सारे रिकॉर्ड्स को जो है सारे बिल्स को जो आप सॉर्ट कर लेंगे। तो इसमें जो है ये बड़ी बड़ी एक सिंपल सी एक टेक्निक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखें कि सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है पहले दो रिकॉर्ड्स में, तो पहले दो रिकॉर्ड्स में देखेंगे हमने इनको कंपेयर किया, अगर ये ऑर्डर में है तो ठीक है हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, अदरवाइज हम इसको स्वैप करेंगे। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऐसे होगा कि सबसे पहले कंपेरिजन होगा, सपोज के 42 इज़ लेस देन 20, अगर ये ट्रू है तो इसको हम ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे, अगर ट्रू नहीं है ये फॉल्स है तो हम इनको स्वैप कर देंगे। जब ये दोनों स्वैप हो गए
अब हमने अगली वैल्यू की तरफ आना है और ये देखना है कि उसका कंपैरिजन हमने करना है इन दोनों के साथ, और इन दोनों के साथ कंपैरिजन करेंगे इसमें देखेंगे कि क्या ये पहली वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। तो अगर ये पहली वैल्यू छोटी है तो इट्स ओके, हम इस चीज़ को यहीं पर रहने देंगे, लेकिन अगर पहली वैल्यू बड़ी है तो हम इसको स्वैप कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि जब ये स्वैप हो गया फिर हम अगली वैल्यू की तरफ आएंगे, 13 की तरफ, इसको देखेंगे, उसको सबसे पहले हम टॉप वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसमें अब ये होगा कि हमने इसके साथ कंपेयर किया, अगर ये छोटी है तो ये स्वैप कर दिया, अदरवाइज जो है क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि फिर उसको अगली वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उससे अगली वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर 28 है तो 28 को पहले हम 13 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन 13 चूँकि 28 से छोटा है तो इसलिए इसको हम इसी पोजीशन पर रहने देंगे। फिर हम अगली वैल्यू की तरफ आएंगे 17, 17 भी 28 से छोटा है इसलिए इसको भी हम यहीं पर रहने देंगे। फिर 28 भी जो है वो भी छोटा है तो इसको भी हम यहीं पर जो है वो रहने देंगे। तो फाइनली 42 के साथ कंपेयर करेंगे, तो 42 चूँकि जो है वो 28 से बड़ा है तो इनकी पोजीशन को हम आपस में स्वैप कर देंगे। सेम ये प्रोसेस जो है 14 के साथ करेंगे, 14 जो है 13 से बड़ा है तो इसलिए 13 को हम नहीं टच करेंगे, लेकिन 17 जो है 14 से जो है वो चूँकि बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि हम इनकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर देंगे, इसको हम इस यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इस जगह पे इसके करेक्ट ऑर्डर में जो है वो इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आएंगे, और इस तरह से आप अगर देखें तो हम एक्चुअली कर रहे हैं कि वैल्यू को पिक करके उसको उसकी करेक्ट जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ से इस टेक्निक का नाम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हमने इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट पड़ गया कि ये वैल्यू को पिक करती है और उसको उसकी राइट जगह पे जो है वो इंसर्ट कर देती है। इसका एल्गोरिथम अगर देखें तो इसमें एक्चुअली हमें दो लूप से वो यूज़ करनी पड़ेंगी, एक आउटर लूप होगी जो बेसिकली जो है वो अरे को, जैसे आपकी अरे है तो ये देखें ये आई टू एन माइनस वन अरे का साइज़ है, एन माइनस वन वहाँ तक होगी, और ये करंट हमारी की वैल्यू है कि करंटली हम इस वक्त जो है वो कहाँ पे हैं, और ये हमने एक वेरिएबल जो है वो लिया है दैट इज़ जे, जिससे हम सेकेंड लूप को क्रिएट करेंगे कंट्रोल करेंगे। तो वाइल जे इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे अब ये जो है ये हमारे पास सेकेंड लूप है, ये नेस्ट लूप हो गया, यहाँ पे आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ओके, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन जो है वो एक कंपाउंड कंडीशन जो है वो दी है कि इसमें ये होना चाहिए कि जे शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड अरे जो है उसका जो है वो जे माइनस वन जे शुड बी ग्रेटर देन की। तो यहाँ पे हमने ये की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने ली हुई है, और ये की वैल्यू जो है वो हर हर जो है वो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो है ये हमने जे माइनस वन जो है वो लिया है तो इसको हम की वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन की, अगर ये लेस देन होगी तो ये फिर यही वहीं पे जो है ये स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद हमने करना है कि इसको कंपेयर करना है, दो जो दो कंजेक्टिव वैल्यूज़ हैं उसको हमने दोनों को आपस से हमने कंपेयर करना है। आप देखेंगे यहाँ पे इसके इंडेक्स देखें जे है और जे माइनस वन है, तो ये एक एक जो है एक करंट वैल्यू, तो ये एक्चुअली जो है ये जो यहाँ पे ये जो जे है दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस सब अरे जो कि सॉर्टेड अरे है उसको उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम जो जे माइनस वन ले रहे हैं दिस इज एक्चुअली तो ये जो जे माइनस तो इस पे हम ये देख रहे थे कि हम इसमें एक्चुअली क्या करेंगे कि दो लूप्स जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो इनर लूप है एक्चुअली ये दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो कंपेयर कर रही है, और हर अट्रेशन में क्या होगा कि वो हम एक एक स्टेप जो है वो बैकवर्ड चलते जाएंगे, ये एक्चुअली इसका जो है वो डिक्रीमेंट इसका जो है वो ऑपरेटर है, और ये आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को हर हर अट्रेशन में उसको जो है वो डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और ये लूप इस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू हैं, या तो जे जो है वो ज़ीरो से लेस नहीं हो जाता बिकॉज़ यहाँ पे हम उसको जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो जे को फर्स्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू 1 होगी,
सेकेंड रोटेशन में टू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रिड्यूस होती होती जो है वो ये रिड्यूस होगी और उसके बाद जो है ना ये ज़ीरो ज़ीरो पे आएगी, लेकिन हमने इसको जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर रखना है। और यहाँ पर ये है कि जो जो हम जो टॉप वैल्यू है जो कि बिल्कुल टॉप पर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन की वैल्यू। की वैल्यू वो है जहाँ पे इस वक्त करंटली जो है वो हम वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हम जो हमारी मेन रे है उसमें एक एक स्टेप जो हम आगे जाते जा रहे हैं। तो इसका जो इसेंशली इसका जो वर्किंग में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको ये दो नेस्टेड लूप्स हैं वो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। एक एक आउटर फॉर लूप होगी जो कि आपकी पूरी अरे में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाएगी, और दूसरी हमारी इनर जो है लूप होगी जो कि हमारी सॉर्टेड वो अरे को हम उसको चेक करेंगे। और ये हर इटरेशन में क्या होगा कि ये जो जो हम अरे चेक कर रहे हैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सबसे पहले ये पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद पहले दो एलिमेंट्स को छोड़ के तीसरे एलिमेंट को साथ में ला लेंगे, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। इस तरह से हर इटरेशन में ये एक एक ये जो इनर लूप है इसकी इटरेशन जो है वो एक एक स्टेप जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, तो इंसर्शन सॉर्ट की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करें तो टू लूप्स आर नीडेड टू इंप्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट। द आउटर लूप स्कैन्स थ्रू द इंटायर अरे, द इनर लूप कंपेयर्स अरे वैल्यूज एंड स्वैप द वैल्यूज इफ नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनिशियली अरे वॉज सॉर्टेड फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू, नाउ वी वॉन्ट टू सॉर्ट इट फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट, देन इन ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप द नंबर ऑफ स्वैप्स इन इनर लूप विल बी वन फॉर फर्स्ट इटरेशन, टू फॉर टू सेकेंड एंड सो ऑन। तो इसमें ये एक्चुअली वर्स्ट केस सिनेरियो को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसमें जो अरे है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड थी, अब हम उसको जो है वो पहले हाईएस्ट से लोएस्ट में सॉर्टेड थी, अब हम उसमें लोएस्ट से हाईएस्ट में जो है वो सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसमें अब क्या होगा कि इस सिनेरियो में क्या होगा कि क्योंकि हर वैल्यू जो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारी इनर लूप जो आउटर लूप है उसकी एक इटरेशन में, पहली इटरेशन में जो इनर लूप है उसमें जो है वो इनर लूप जो है वो दो एक स्वैप करेगी, तो सेकेंड इटरेशन होगी उसमें दो करेगी, फिर थर्ड इटरेशन में तीन स्वैप करेगी। इस तरह से जो है वो ये प्रोसेस जो है, और जो टोटल नंबर स्वैप्स होंगे दे विल बी समीशन है। इसमें अगर आप देखें आई इज इक्वल टू 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 एन, और ये एन स्केयर बाई टू या थीटा ऑफ एन स्केयर जो है ये इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो आएगी। द बेस्ट केस इज अकर इफ द अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड देन नो स्वैप्स विल बी नीडेड, ये इसका बेस्ट केस है। द टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन विल बी एन माइनस वन विच इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट्स। तो ये होगा कि जो स्वैप्स हो रहे हैं वो चूँकि इनर लूप में हो रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है वो इसको जो है वो कंपेरिजन इसको कंपेयर करने की जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं है कंपेरिजन्स की। तो उसमें सिर्फ हम कंपेरिजन करेंगे लेकिन स्वैप जो नहीं करेंगे, अरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। दैट्स द बेस्ट केस फॉर इंसर्शन सॉर्ट, इन द कॉस्ट फॉर इंसर्शन सॉर्ट इन द बेस्ट केस इज थीटा ऑफ एन, और ये जो है ये हमने थीटा ऑफ एन स्क्वायर से काफ़ी बेटर है, लेकिन मसला ये है कि इसमें जो है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर इट्स ज़्यादा रिलायबल इंडिकेशन है कि जो कि इसका टिपिकल रनिंग टाइम होगा, हम उसको एक मैक्सिमम लिमिट के तौर पर जो हम उसको ले सकते हैं, वी कैन टेक इट एज अ लिमिट। नेक्स्ट जो हमने सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस करनी है दैट इज़ द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल डबल फॉर लूप, इसमें भी एक जो है वो डबल फॉर लूप यानी कि एक आउटर लूप और एक इनर लूप जो है वो यूज़ होगी। द फर्स्ट रोटेशन ऑफ द इनर फॉर लूप मूव्स थ्रू द रिकॉर्ड अरे फ्रॉम बॉटम टू टॉप कंपेयरिंग एडजेसेंट कीज। इफ द लोअर इंडेक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन इट्स हायर इंडेक्स नेबर देन द टू वैल्यूज आर स्वैप्ड। Once the smallest value is encountered, the process will cause it to bubble up to the top of the array. The second pass through the array repeats this process. However, because we know that the smallest value reached at the top of the array on the first pass, there is no need to compare the top two elements in the second pass. तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसका जो नाम पड़ा है बबल सॉर्ट, वो इस वजह से पड़ा है कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम अरे में इस तरह से लेंगे कि वो बबल करती हुई
यानी कि एक तरह से स्विम करती हुई जो है वो टॉप में आ जाएगी। तो इस वजह से इस टेक्निक का नाम जो है वो पड़ा है बबल सॉर्ट हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर आप ये देखें तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन कुछ इस तरह से कर रहे हैं। दिस इज़ द रे, ये हमारे पास अनसॉर्टेड रे है, यहाँ पे ये वाली दिस वन दिस इज अनसॉर्टेड रे। अब यहाँ पे हमने जो है वो हमने देखना है कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पे। तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि सबसे पहले ये हमें एक लोएस्ट एक वैल्यू मिली है विच इज़ द लोएस्ट, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको ऊपर सबसे टॉप पे लेंगे। फिर उसके बाद फिर सेकेंड पास में फिर हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आप देखें कि हमने इन दो वैल्यूज़ को स्वैप किया और फिर इन दो वैल्यूज़ को स्वैप किया, और फिर हमने अगली इटरेशन में क्या किया है कि जो 13 जो है ये ऑलरेडी हमें पता है कि लोएस्ट है, तो इसलिए हम इसको जो है वो इतनी छेड़ेंगे, हम अब 14 को जो है वो इतनी पोजिशन पर लेंगे। तो आप ये देखेंगे 42 स्टिल हेयर और बाकी वैल्यूज़ का भी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि जो फर्स्ट टू पोजीशन पे जो है वो जो लोएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे आ चुकी हुई। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू की बात करेंगे, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट, और फिर इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक्चुअली एक बबलिंग हो रही है कि जो जहाँ कहीं पर भी लोएस्ट वैल्यू है जैसे 15 था तो बिल्कुल बॉटम पर था, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इसने पहले इधर से पोजीशन अपनी चेंज की, फिर यहाँ से, फिर उसने अब देखें कि ये यहाँ से टॉप जो था टॉप में लास्ट पोजीशन से सेकंड लास्ट पे है, उसके बाद थर्ड लास्ट पे, और फाइनली फिर अपनी वो करेक्ट पोजीशन पे जो है वो आ गया। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ बबलिंग। इसके एल्गोरिथम अगर हम देखें तो एसेंशली इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि दो जो है वो हमें फॉर लूप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। एक तो ऑटो फॉर लूप है जिसका सिंपली काम ये है कि वो पूरी रे को जो है वो इसका, और ये जो है ये एक्चुअली चलेगी जितना कि रे का साइज़ है जितने उसमें है एलिमेंट्स है उसके हिसाब से चलेगी, और ये हमने एक फ्लैग सेट कर सकते हैं इसको 0, और जो इनर लूप है दैट इज़ दैट आल्सो फिर स्टार्ट फ्रॉम जे इज इक्वल टू 0 टू साइज माइनस आई माइनस 1। तो यहाँ पे ये आई जो है वो हमने यहाँ से लिया, साइज़ इज़ द साइज ऑफ रे जो भी उसका साइज़ है, लेट्स सपोज के 10 है, अगर उसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो ये रे जो है ये 10 टाइम्स जो है ये रे जो है वो चलेगी फ्रॉम 0 to 9 बिकॉज दिस वन इज़ 0 एंड साइज माइनस विल बी 9, तो टोटली 10 टाइम्स जो है वो चलेगी। तो ये जो वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, दिस विल बी, अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें फॉर फर्स्ट इटरेशन तो साइज 10 है, ये जो है आई 0 है और ये माइनस 1 है, तो दिस विल बी 9। तो इसने यह करना है कि फर्स्ट पोजिशन को लेना है जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसको बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है वो कंपेयर करते जाना वन बाय वन। तो अगर जो है वो वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर आ गई है तो उसको फिर ये स्वैप कर देगा, अदरवाइज उसको एज इट इज़ जो है वो रहने देगा। तो उसके बाद हमने ये करना है कि ये फ्लैग सेट किया जस्ट इस पर्पज़ के लिए कि अगर तो जो है वो वैल्यूज जो है वो स्वैप नहीं हो रही हैं तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है वो फिर लूप से जो है वो बाहर आ जाएंगे और हम आउट ऑफ अगली इटरेशन की तरफ जो है वो चले जाएंगे। बबल सॉर्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने, दैट इज़ इजी रिगार्डलेस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज इन द अरे, द नंबर ऑफ कंपैरिजन मेड बाय द इनर फॉर लूप इज ऑलवेज आई लीडिंग टू अ टोटल कॉस्ट ऑफ थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ इसका जो क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है, दिस इज़ द समेशन के फॉर्म में, दिस इज़ द क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, और ये कम्प्लेक्सिटी इसकी जो निकलती है दैट इज़ थीटा ऑफ एन स्क्वायर जो है ये निकलेगी। बबल सॉर्ट रनिंग टाइम इज रफली सेम इन द बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस, तो इसका जो है वो सेम ही इसका जो है वो रनिंग टाइम है इन ऑल थ्री सिनेरियो। तीसरा एल्गोरिदम जो है वो हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ द सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है ये एक थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि हमने शुरू में इंसर्शन सॉर्ट देखी थी उसकी, तो सिर्फ जिस तरह से हमने उसमें एक एग्जांपल की थी टेलीफोन बिल्स को सॉर्ट करने के, उसी एग्जांपल को हम देखेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से। कंसिडर अगेन द प्रॉब्लम ऑफ सॉर्टिंग अ पाइल ऑफ फोन बिल्स फ्रॉम द पास्ट ईयर
another intuitive approach might be to look at the pile until you find the bill for January and pull that out, and then through the remaining pile until you find the bill for February, and then add it behind January. Proceed through the ever shrinking pile of bills, select the next in order until you are done. This is inspiration for our last theta venture sort called the selection sort. अब इसमें और इंसर्शन शॉर्ट में से डिफरेंस ये है कि इंसर्शन शॉर्ट में हम ये कर रहे थे कि दो कंजेक्टिव जो हम टॉप पे जो दो बिल थे उनको कंपेयर किया, उनको ऑर्डर में किया, फिर तीसरे को पिक किया, उसको ऑर्डर में प्लेस किया, फिर उसके बाद चौथे को पिक किया और उसको ऑर्डर में प्लेस किया. सिलेक्शन शॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम पाइल को चेक कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि लोएस्ट वैल्यू है वो कहाँ पर. अगर हमें वो लोएस्ट वैल्यू मिल गया हम उसको टॉप पर लेंगे. फिर उसके बाद दोबारा हम अपनी रिमेनिंग पाइल को चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगली हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो उसको हम पिक करके उसकी करेक्ट पोजीशन पर रखते हैं. और इस तरह से प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा. द आईएथ पास ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट सेलेक्ट द आईएथ स्मॉलेस्ट के इन द रेंज प्लेसिंग द अकॉर्डिंग टू पोजीशन आई. इन अदर वर्ड्स सिलेक्शन सॉर्ट फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट के इन द अनसॉर्टेड लिस्ट एंड देन द सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन. तो ये जो है ये आप इसको देख सकते हैं कि उसने इसको सर्च करना शुरू किया, और उसने इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि उसने ये देखा कि पूरी रेंज में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है विच इज 13 उसको पिक किया और उसको टॉप पे लिया. अभी दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दिया. अब देखेंगे जो 42 है वो 13 की जगह पे आ गया, 13 जो है 42 की जगह पे आ गया. इस तरह से दोनों इनकी जो है पोजिशन आपस में एक्सचेंज हो गई. उसके बाद फिर हमने ये हमें पता है कि यहाँ पे ये लोएस्ट वैल्यू है तो इसको हम छोड़ देंगे, मगर एक स्टेप आगे चले जाएंगे. और फिर हम देखेंगे कि 14 नेक्स्ट जो लोएस्ट वैल्यू उसको फाइंड आउट करेंगे. वो 14 है, 14 को हम उसी करेक्ट पोजिशन पर ले आए. फिर हमने इन दो पोजिशन को जो है वो हमने छोड़ दिया. अब इसको नहीं हमने देखना, अब हमने थर्ड से ऑनवर्ड स्टार्ट करना. तो 15 चूँकि जो है वो स्मॉलेस्ट है तो हमने क्या किया 15 को ले. अब आप देखिए कि 17 जो है वो 15 के बाद आना चाहिए इसे, लेकिन यहाँ पे हमने उसको क्या किया कि हमने उसको 15 की जगह पे लास्ट पोजीशन पे हमने उसको रख दिया. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये कि जो नेक्स्ट सिटेशन में हम क्या करेंगे कि जब अगली वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब, चूँकि 15 के बाद ये हाईएस्ट है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजिशन पर आ जाएगी. इस तरह से करते करते हम फाइनली जो हमने सॉर्टेड रे जो है वो उसको वो हमें मिल जाएगी. तो इसका अगर एल्गोरिदम देखें तो इसको हमें जो है वो स्टार्ट इसको हम ज़ीरो से करेंगे, लेकिन जो है वो हम ये करेंगे कि हम इसको साइज माइनस टू तक जो है वो हम इसे लेके जाएंगे, क्योंकि बिकॉज इस तक पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी जो है जो अरेज है, बिकॉज के यहाँ पे इस तरह से है कि ये अरे जो है वो हमने सिर्फ, जैसे अगर ए का साइज 10 है तो इसको सिर्फ 8 टाइम्स हमने से 0 से लेकर 8 तक जो है ये तकरीबन 9 टाइम्स बनेंगे, 9 टाइम्स इसको जो है वो हमने रन करना है. और यहाँ पे हमने कह लिया कि जो मिनिमम है दैट इज़ द आई मिनिमम इज आई, और यहाँ पे हम जे लेंगे आई प्लस 1 टू द साइज एन माइनस 1, और दो कंजेक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो हम देखेंगे. पहले हमने एक ले लिया है कि जो हमारी जो मिनिमम है वो एट द फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू है वो हमने यहाँ से देख लिया. तो यहाँ पे हमने उसको ये कह लिया कि ये जो है ये हमारी ये इसको कंपेयर करना है जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो नेक्स्ट है क्योंकि जे इज आई प्लस 1 तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स को, पहली इटरेशन फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो i है विच इज़ 0, और जो j है दिस इज़ i प्लस 1 जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है. तो हम 0 फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं. अगर ये जो एलिमेंट है ये जो है वो अगर ये लोएस्ट है इस इज़ लेस दैन दिस वन, तो हम इसको जो है वो मिनिमम कह देंगे कि अब मिनिमम को अपडेट करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम क्या करेंगे कि इनको आपस में जो है वो स्वैप कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को जो है वो आपस में स्वैप कर लेंगे. ये हमने एक्चुअली जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो किया. और इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, सिलेक्शन सॉर्ट एसेंशियली द बबल सॉर्ट एक्सेप्ट दैट रादर देन रिपीटेडली स्वैपिंग एडजेसेंट वैल्यूज टू गेट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉर्ड इनटू प्लेस, वी इंस्टेड रिमेंबर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड एंड डू वन स्वैप एट द
एंड तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पूरी पे लोस्ट एलिमेंट, उसको हम देखते हैं और उसकी वैल्यू को हम स्टोर करते जाते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ द लोस्ट वैल्यू, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी एंड पे, अब देखेंगे इनर लूप में जो लास्ट स्लाइड थी उसमें देखें कि टिपिकली बबल और जो इंसर्शन सॉर्ट हमने देखी कि जो इनर लूप है उसके अंदर स्वैप हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है कि हम इनर लूप में स्वैपिंग नहीं कर रहे, बल्कि हम इनर लूप से जब बाहर आते हैं आउटर लूप में, तो फिर हम उसको जो है वो स्वैप करते हैं वैल्यू को। तो इससे ये होता है कि हमें इनर लूप के अट्रेशन में हमें पता चल जाता है कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो फिर हम फाइनली उस लोएस्ट वैल्यू को जब हमें पता चल जाती है फिर हम उसको स्वैप करते हैं, अदरवाइज हम उसको स्वैप जो है वो नहीं करते। दस द नंबर ऑफ कंपेरिजन इज स्टिल थीटा एन स्क्वायर, बट द नंबर ऑफ स्वैप्स इज मच लेस दैन द रिक्वायर्ड बाई द बबल सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज पर्टिकुलर एडवांटेजेस व्हेन द कॉस्ट टू डू अ स्वैप इज हाई, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द एलिमेंट्स आर लॉन्ग स्ट्रिंग्स और अदर लार्ज रिकॉर्ड्स। सिलेक्शन सॉर्ट इज मोर एफिशिएंट दैन बबल सॉर्ट बाई कॉन्स्टेंट फैक्टर इन मोस्ट अदर सिचुएशन एज वेल। तो एक जो सिचुएशन है जिसमें कि सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से बेहतर है वो ये है कि अगर आपके पास लार्ज रिकॉर्ड है जिसमें आपको स्वैपिंग कम चाहिए, तो उसमें आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इन इन टर्म्स ऑफ कंपेरिजन दोनों का रनिंग टाइम जो है वो, दोनों की जो रनिंग कॉस्ट है वो तकरीबन सेम ही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज सॉर्ट, स्वैपिंग एडजस्टमेंट कॉर्ड इज कॉल्ड एन एक्सचेंज एंड दस दिस सॉर्ट आर समटाइम्स रेफर टू एज एक्सचेंज सॉर्ट। तो ये भी हमने जो टेक्निक जो तीन हमने डिस्कस किए हैं इनको, इनका एक और नेम जो है इनका वो है इस पूरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कैटेगरी का, एक्सचेंज सॉर्ट भी हम इसको जो है वो कहते हैं। दिस इज द क्रूशियल बॉटलनेक इन दिस दैट ओनली एडजेसेंट कॉर्ड्स आर कंपेयर्ड, दस द कंपेरिजन मूव्स ऑल बाय सिंगल स्टेप्स। द कॉस्ट ऑफ एनी एक्सचेंज सॉर्ट कैन बी एट बेस्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दैट रिकॉर्ड्स इन अरे मस्ट मूव टू देयर करेक्ट लोकेशन, द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स फॉर। तो कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें एक इसका, ये एक हमने एक समरी ली है तीनों की, तो इंसर्शन सॉर्ट अगर हम देखें तो बेस्ट केस में इसकी थीटा ऑफ एन है, जबकि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन है इनके कॉस्ट जो है वो हर सिनेरियो में जो दैट इज़ द थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट इस तरह किया है कि इसके बेस्ट केस में इसकी कॉस्ट जो है वो कम है, बाकी सबकी कॉस्ट जो है वो सेम है। और इसी तरह से अगर स्वैप देखें तो बेस्ट केस में इंसर्शन और बबल में जीरो है, लेकिन सिलेक्शन में देर विल बी स्टिल थीटा ऑफ एन। और एवरेज केस में अगर आप देखें, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके जो है वो सारी एवरेज और वर्स्ट केस में थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, लेकिन जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसकी इनकी स्वैप में परफॉर्मेंस जो है इसकी बेहतर है, वो थीटा ऑफ एन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम तीन और टेक्निक डिस्कस करेंगे वो सेल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो अल्लाह हाफिज़।